प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2013 TGT बायोलॉजी का कट ऑफ दिया है। कट ऑफ का एक हम पे कमेंट आया था कि कट ऑफ बताइए कैसे सिलेक्शन होता है। जनरल कैटेगरी के लिए हम बता रहे हैं बालक वर्ग में 423.9376 में 500 में से आए हैं, तो 423 को हमने देखो इधर बांटा है कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। अपन 500 में 425 का रिटर्न होता है, 50 का इंटरव्यू होता है, 25 है हायर क्वालिफिकेशन एंड गेम्स होते हैं। हायर क्वालिफिकेशन के बारे में हम बता दें, हायर क्वालिफिकेशन में 5 नंबर तो बीएड के लोग जुड़ते ही हैं, वो सभी के जुड़ेंगे। 10 नंबर एमएड अगर हैं तो 10 नंबर जुड़ेंगे। पीएचडी है तो 15 जुड़ते हैं, मैक्सिमम 25 होते हैं। गेम है तो गेम के 10 और 15 नंबर होते हैं। राष्ट्रीय इंटरनेशनल मतलब स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे अलग अलग मार्क होते हैं। अब हमने नीचे जो ओबीसी एससी का दिया है इनका भी डाटा बना देंगे हम, पर जनरल के लिए बनाए हैं। देखिएगा अगर 110 क्वेश्चन होते हैं 110 क्वेश्चन अगर हैं तो 374 मार्क बनते हैं रिटर्न में। अगर 111 क्वेश्चन हैं तो 377.4 बनते हैं, और एमएससी अगर किया है 1.5376 मार्क उसमें ऐड कर लिया जाता है। वो डिपेंड करता है किसी में, किसी का कम भी ऐड होता है, किसी का ज़्यादा होता है। वो एमएससी की डिग्री पर डिपेंड करता है, उसकी परसेंटेज पर या क्वालिटी पर, कहाँ से किया, किस तरह से। वो एक वेटेज है, वो कैसे बोर्ड वाले देते हैं वो कोई आइडियाज नहीं है। लगभग 1.5 के आसपास जुड़ता है, यानी कि 3.4 का एक क्वेश्चन होता है, 3.4 मार्क का, उसका लगभग आधा लगभग जुड़ता है, आधे से कुछ कम लगभग जुड़ता है। तो थब बनता है 378.9376। 5 नंबर एमएड का जुड़ जाए तो बनेगा 383.9376, और फिर अगर इंटरव्यू में 40 नंबर पाता है तो 423.9376 बनेगा, इसका सिलेक्ट हो रहा है कैंडिडेट। अगर 111 क्वेश्चन है, एमएससी भी है, 40 इंटरव्यू में है तो सिलेक्शन हो पा रहा है, अच्छी बात है। पर इससे कम में अगर कम क्वेश्चन होंगे और इंटरव्यू में भी कम होंगे तो सिलेक्शन होने की बायोलॉजी में गुंजाइश नहीं है। 112 क्वेश्चन अगर है, एमएससी है, 37 नंबर इंटरव्यू में पाता है तो सिलेक्ट हो जाएगा। 113 क्वेश्चन है अगर एमएससी है, 34 क्वेश्चन इंटरव्यू में पाता है तो सिलेक्ट हो जाएगा। वो 34 नंबर इंटरव्यू में पाता है तो 114 है सही, एमएससी है, 31 पाता है तो भी सिलेक्ट होगा। 115 है, 28 इंटरव्यू में पाता है तो सिलेक्ट हो जाएगा। 116 है, 25 इंटरव्यू में पाता है तो सिलेक्ट हो जाएगा। 117 यानी मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कट ऑफ का था वो था 117, 17 से ज़्यादा किसी के और सही नहीं थे 2013 वाले में, यानी ये मैक्सिमम था। 17 से ऊपर किसी के भी सही नहीं थे, 117 हाईएस्ट था। 117 पे अगर 22 नंबर भी मिलता तो प्योरली सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर गारंटेड है, बिल्कुल गारंटी हो जाएगा। यानी जनरल कैटेगरी मानिएगा 110 क्वेश्चन भी बहुत कम है, 115 के ऊपर आके चलिएगा, हमारे 114 115 हो पा रहा है और प्लस इंटरव्यू में अच्छे नंबर गेन कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन होने की प्योरली है। कुछ सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, हिंदी और फिजिकल और ये ड्राइंग कला जो होती है, फिजिकल साइंस, कला, हिंदी, संस्कृत, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं इनमें मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। जबकि मैथ्स हुआ, मैथ्स में बहुत कम आती है, फिजिक्स, मैथ एंड पीजीटी में फिजिक्स में केमिस्ट्री रहा, और टीजीटी मैथमेटिक्स में भी काफ़ी मेरिट कम जाती है, 90 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है, 90-95 में बेटर होता है। पर इसके लिए हमने जनरल का डाटा बना के तैयार किया है कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा, और ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी का भी हम बना दें नेक्स्ट वीडियो में।